Hello everyone and welcome to lecture on arrays. I am Dr. Mangesh Joshi from Department of Mechanical Engineering. So इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि एरे क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे डिक्लेरेशन एंड एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वैल्यूज़ कैसे देते हैं एरे को. उसके बाद हम देखेंगे कि एरे का हर एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है, फिर इटरेट कैसे करते हैं यूजिंग फॉर लूप्स. देन हम देखेंगे कि टू डायमेंशनल एरेज क्या होता है, और लास्टली एल्गोरिदम्स यूजिंग एरेज. सो ये सारे टॉपिक्स हम ये वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो सबसे पहले देखो कि एरे का मतलब क्या होता है. सो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर्ड एट एडजॉइनिंग मेमोरी लोकेशन. सो एरे का मतलब क्या है कि ये कलेक्शन है सिमिलर डेटा टाइप का. जैसे पांच इंटीजर वैल्यूज़ आपको लेना है, पांच, एक कोई स्टूडेंट है उसके पांच सब्जेक्ट है, तो ये पांच सब्जेक्ट के मार्क अगर आपको लेना है कोई वेरिएबल में, तो आपको पांच अलग अलग वेरिएबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे M1, M2, M3, M4, M5. सो ऐसे सपोज़ आपके पास 60 बच्चे क्लास में हैं, तो आपको हर एक के लिए S1, S2, S3, S6, X10, S20, ऐसा आपको 60 तक वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे. सो बिकॉज ऑफ दिस एरे व्हाट एडवांटेज वी गेट कि आपको एक ही वेरिएबल के अंदर आप उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डाल सकते हो. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंट एरे ऑफ 5, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको 5 लिखना है. इसका मतलब है एरे नाम का आपने इंटीजर वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके में यू कैन ऐड 5 एलिमेंट्स. सो यहाँ पे गलती से 10 लिख दिया है, बट यहाँ पर डिक्लेयर्स एन एरे ऑफ 5 इंटीजर. सो आप कोई भी 5 इंटीजर वैल्यू इसमें डाल सकते हो. अगर आपको ये एरे के जो वेरिएबल्स हैं इसको अगर आपको कंपाइल टाइम में वैल्यूज़ प्रोवाइड करना है, तो इन दैट केस आप कुछ इस प्रकार उसको कर सकते हो. इंट एरे ऑफ 5 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में लिखना है 10, 20, 30, 40, 50. सिर्फ 5 ही वैल्यू हम लिखेंगे इसमें, बिकॉज एरे के अंदर सिर्फ 5 एलिमेंट्स आप डाल सकते हो. आपने 5 करके ही उसको डिक्लेयर किया हुआ है. सो पहला जो ये एलिमेंट है ये है बेसिकली एरे ऑफ 0 एलिमेंट. हमेशा याद रखना है कि एरे स्टार्ट होता है 0 से, और लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे का n-1 होता है. अगर 5 एलिमेंट है तो लास्ट एलिमेंट रहेगा n-1, यानी 4 रहेगा, एरे ऑफ 4. सो ऐसा इस प्रकार आप उसको एक्सेस कर सकते हो. सो इंडेक्सिंग की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, अभी मैंने जस्ट बताया. अभी आपने डेफिनेशन में देखा है कि एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर्ड एट एडजॉइनिंग मेमोरी लोकेशंस, यानी आजू बाजू वो स्टोर करता है. एक सिंपल एग्जांपल अगर आप देखोगे कि मान के चलो कि यहाँ पे आपके पास 5 घर है, रो हाउसेस है, और उसमें एक आपका पोस्ट ऑफिस है. तो पोस्ट ऑफिस का डब्बा है आपका पोस्ट बॉक्स. ये ऐसे 5 घर है रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, ठीक है. उसके अंदर हर एक 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 पोस्ट बॉक्स है. सो इसके अंदर जो आप खत लेटर डालोगे, सो उसका पोजीशन कैसा है, एरे ऑफ 0. अगर ये पोस्ट बॉक्स का नाम है एरे, तो एरे ऑफ 0 करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ओपन कर सकते हो. एरे ऑफ 1 करके इसको ओपन कर सकते हो. ये एरे ऑफ 2 आएगा, एरे ऑफ 3 आएगा, और एरे ऑफ 4 आएगा. सो टोटल एलिमेंट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5 एलिमेंट्स है, 5 पोस्ट बॉक्सेस है, और जिसका इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से एंड ख़त्म होता है एरे ऑफ 4 पे. ये हो गया उसका इंडेक्स. अभी जो लेटर डालोगे उसको अपन सपोज वैल्यू बोलते हो, प्रोग्रामिंग में टर्म्स में उसको अपन वैल्यू बोलते हैं. सो ये पोस्ट बॉक्स में या ये वेरिएबल में या ये एरे ऑफ 0 एलिमेंट में हमने 10 की वैल्यू डाली. अभी ये वैल्यू कैसे डालते हैं, सपोज आपने ऐसा लिखा एरे ऑफ 0 इज इक्वल टू 10.
सो इसको हम बोलेंगे कि ये 10 वैल्यू जीरो वाले एलिमेंट में चली गई। सिमिलरली आप ऐसा लिख सकते हो एरे वन इज इक्वल्स टू 20। इस प्रकार यू कैन ऐड द वैल्यू टू वेरिएबल। सो इस प्रकार हम पांचों वैल्यू इसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये स्लाइड में आपने क्या क्या देखा, हमने इसमें डेफिनेशन देखा कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट, सिमिलर एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप, यानी क्या होता है कि सारे के सारे एरे के इंटीजर ही रहेंगे, एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक कैरेक्टर ऐसा नहीं रहेगा। अगर आपने इंटीजर एरे डिक्लेयर किया है तो सारे के सारे एलिमेंट्स वो इंटीजर रहेंगे। अगर आपने फ्लोट एरे को डिक्लेयर किया है तो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके फ्लोट रहेंगे। इस प्रकार ये एरे काम करता है। सो एक सिंपल प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया है कि एक्सेस कैसे करते हैं एरे के एलिमेंट को। तो सिंपली हमने दो फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, और void main से अपन ने प्रोग्राम चालू किया है। सो हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया एरे ऑफ फाइव एलिमेंट्स, यहाँ के अंदर फाइव लिखा है इसलिए, और कंपाइल टाइम में हमने इसमें वैल्यू डाल दिया 10, 20, 30, 40, 50। ये क्लियर स्क्रीन कर दिया, अगर कुछ होगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर प्रिंट एफ लिखा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज इक्वल्स टू %d कॉमा ए ऑफ ज़ीरो। सो मैंने पहले ही इसके प्रीवियस स्लाइड में बोला है कि इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो से चालू किया अपन ने, ये पहला एलिमेंट हो गया है, दूसरा एलिमेंट प्रिंट करेगा, ये तीसरा एलिमेंट प्रिंट करेगा, ये चौथा करेगा, ये पाँचवा करेगा। अभी मान के चलो गलती से आपने लिख दिया कि फिफ्थ एलिमेंट ऑफ एरे इज ए ऑफ फाइव बाय चांस, इफ़ यू मेक अ मिस्टेक तो क्या होगा। इसीलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे डाली है कि आप तो बोल रहे हो कि यहाँ पर पाँच ही एलिमेंट है, बट गलती से आपने छठवा भी लिख दिया, सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ एरे, तो क्या होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली कि सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ एरे वो ज़ीरो बता रहा है, ठीक है, मीन्स इट इज़ नथिंग। सो द ओनली इट इज़ शोइंग 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। सो इस प्रकार हम एक्स एरे की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। अभी सेम चीज़ आपको फॉर लूप से अगर लिखना है तो इटरेशन इटरेट करना है तो सेम कोड मैंने यहाँ तक लिखा है, एरे ऑफ फाइव एलिमेंट्स ए करके एरे बनाया मैंने, इसमें सेम वैल्यूज पुटअप किया है 10, 20, 30, 40, 50। एक इंटीजर आई ले लिया है मैंने फॉर लूप चलाने के लिए। अभी फॉर लूप मैं चला रहा हूँ, फॉर आई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन फाइव, आई प्लस प्लस। सो ये फॉर लूप कितने लिए चलेगा, ज़ीरो के लिए चलेगा, आई इक्वल्स टू वन के लिए चलेगा, आई इक्वल्स टू टू के लिए चलेगा, आई इक्वल्स टू थ्री के लिए चलेगा, एंड आई इक्वल्स टू फोर के लिए चलेगा। मीन्स ये एरे के पाँच एलिमेंट के लिए चलेगा। सो अभी पहले क्या दिखा रहा हूँ मैं, %d एलिमेंट ऑफ एरे इज इक्वल्स टू %d और डबल कोट ख़त्म कॉमा आई प्लस वन। पहले मैं आई के वैल्यू ज़ीरो है इसलिए मैंने आई प्लस वन लिखा है, यानी पहला प्रिंट क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज इक्वल्स टू 10, फिर आई प्लस प्लस होगा, आई इक्वल्स टू वन होगा, फिर ये दिखाएगा सेकंड एलिमेंट ऑफ एरे इज इक्वल्स टू 20। इस प्रकार ये सेम फॉर लूप से भी आप इसको चला सकते हैं। जब आपका सिंगल डायमेंशनल एरे है, इस प्रकार के एरे को हम बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे, जहाँ पर ए के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी है, दिस इज़ कॉल्ड सिंगल डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो सिंगल डायमेंशनल एरे जब है तब आप सिर्फ एक ही फॉर लूप लगाओगे। अभी जैसे एरे को एलिमेंट को आपको मॉडिफाई करना है, गलती से मान के चलो कि आपने ए ऑफ थ्री जो है, ए ऑफ थ्री वाला यानी ये एलिमेंट, ए ऑफ ज़ीरो, ए ऑफ वन, ए ऑफ टू, ए ऑफ थ्री, ये 40 गलती से डाल दिया जो आपको मॉडिफाई करना है। उसके जगह आपको 20 लिखना था बट आपने 40 लिख दिया और आपको ये बाद में पता चला, तो उसको कैसे करोगे, ए ऑफ थ्री डायरेक्टली लिखोगे इज इक्वल्स टू 20। सो इसके कारण आप फोर्थ एलिमेंट इसको मॉडिफाई कर दोगे और फिर यू कैन चेक दिस एलिमेंट बाय प्रिंट एफ %d ए ऑफ थ्री। सो इस प्रकार हम कोई भी एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं एरे के। अभी हम बात करेंगे टू डायमेंशनल एरेज की। जैसे कोई एक मैट्रिक्स फॉर्म में होता है और टेबुलर फॉर्म में होता है, जैसे आप कुछ ऐसा मैट्रिक्स लिख रहे हो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
समथिंग, ये 3x3 मैट्रिक्स है आप लिखा है, तो ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को स्कैन करने के लिए या यूज़र से ऑप्टेन करने के लिए आपको दो फॉर लूप लगेंगे। सिंगल डायमेंशनल है तो एक फॉर लूप से काम चल जाएगा, अगर 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है तो आपको दो नेस्टेड फॉर लगेंगे। तो एक फॉर लूप चलेगा आई का सपोज रोज़ के लिए, सो इंटीजर मैट ऑफ 3 4 मीन्स 3 फर्स्ट जो आता है वो रोज़ का रिप्रेजेंटेशन होता है, सेकंड जो आता है वो कॉलम्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। सो 3 रो का और 4 कॉलम्स का ऐसा ये मैट्रिक्स बनाए, ठीक है। जब आई की वैल्यू 0 0 है, जैसा आपने लूप लिखा ये फॉर आई लिखा आपने 0 से 2 तक, उसके अंदर में आपने नेस्टेड लिखा जे का दूसरा फॉर लूप जे के लिए, राइट, जे इज इक्वल्स टू 0 to less than 2 तक, लेस देन इक्वल्स टू 2 तक, और उसके अंदर आप लिखोगे स्कैन एफ फंक्शन, और स्कैन एफ में लिखोगे आप परसेंट डी और ये एंड परसेंट ए ऑफ, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे, सॉरी नॉट ए ऑफ, इट विल बी मैट, क्योंकि आपने मैट्रिक्स का वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैट करके, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है आई और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है जे। तो ये क्या करेगा, ये लूप 3 × 4 टाइम्स चलेगा 12 बार, और आपके सारे वैल्यूज़ को वो स्कैन करेगा। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 रहेगी, तब जे इक्वल्स टू 0 स्कैन होगा यानी ये एलिमेंट स्कैन होगा, फिर जे प्लस प्लस होगा फिर ये एलिमेंट स्कैन होगा, फिर अगेन जे प्लस प्लस होगा तो ये एलिमेंट स्कैन होगा, अगेन जे होगा तो ये स्कैन होगा, उसके बाद जे 4 हो जाएगा तो वो 4 के बाहर आ जाएगा, फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर क्या होगा आई इक्वल्स टू 1 होगा, तो अगेन आई इक्वल्स टू 1 जे इक्वल्स टू 0 ये स्कैन होगा, फिर ये स्कैन होगा, फिर ये स्कैन होगा, फिर ये स्कैन होगा, ये ख़त्म होने के बाद जे ख़त्म होगा, वापस आई इक्वल्स टू 2 होगा, जे इक्वल्स टू 2 सेट होगा और ये वाला पूरा स्कैन होगा। ऐसे करके आपको 12 बार वो वैल्यू पूछेगा। सेम लॉजिक यू हैव टू यूज़ फॉर प्रिंट एफ, प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ द 2 डायमेंशनल एरे, सेम लॉजिक यूज़ करना है, सिर्फ स्कैन एफ की जगह प्रिंट एफ आएगा। तो हमेशा याद रखना है कि 2 डायमेंशनल एरे है तो 2 फॉर आपको स्कैन करने के लिए लगने वाले हैं और 2 फॉर आपको प्रिंट करने के लिए लगने वाले हैं। सो ये एकदम बेसिक था एरे का, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे। इसके अपन नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेंगे, जिसमें आपको हर एक चीज़ क्लियर होंगी कि वेरिएबल को एक्सेस कैसे करते हैं, रन टाइम पे वैल्यूज़ कैसे डालते हैं, कंपाइल टाइम पे कैसे डालते हैं, और उसके अलग अलग मैट्रिक्स एडिशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये सब प्रोग्राम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक सिर्फ बेसिक पार्ट था। सो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। और ऐसा लगे कि कंटेंट आपको काम में आ रहा है तो कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।